सो है गाइस, कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, मुझे हालांकि कुछ दिनों पहले मेरे जो लास्ट वीडियोस थे उनमें से एक वीडियो पे एक कमेंट आई थी। केडी कन्हैया नाम से एक यूट्यूबर है, उसने कमेंट की थी कि भाई मोबाइल से हम स्ट्राइक्स होता है वो कैसे चेक करें। तो गाइस, इसी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट एंड इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप कम्युनिटी स्ट्राइक कैसे चेक कर सकते हो एंड उसके साथ ही साथ आप कम्युनिटी स्ट्राइक को कैसे रिमूव कर सकते हो एंड किस किस वजह किन किन वजहों से ये कम्युनिटी स्ट्राइक्स आती है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। सो ओके गाइज, मैं अपने मोबाइल के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। आपको सिंपली क्या करना है कि कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सपोज मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि youtube.com सर्च कर लूँगा। अब ये ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे जो आपको टॉप राइट साइड में यहाँ पे थ्री आइकॉन्स दिख रहे हैं, अब आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में दिखे। इसलिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है डेस्कटॉप मोड को इनेबल करना। अब सेकंडली, अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो कोई भी चैनल होगा वहाँ उसका लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब सिंपली आपको क्या कर लेने का है, इस पर टैप कर लेने का है। अब यहाँ पे आपको योर चैनल नाम से कुछ तभी दिख रहा होगा, सो आपको इसको ओपन कर लेने का है। नाउ जैसे ही आपका चैनल का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियोस। तो सिंपली आपको सबसे पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है कस्टमाइज चैनल पे। देन आपको यहाँ पे वो रिडायरेक्ट करेगा आपके चैनल कस्टमाइजेशन पे। सो गाइस, जैसे आप कस्टमाइज चैनल कस्टमाइजेशन को ऑन करते हो वहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स है। अब इन्हीं आइकॉन में आपको एक आइकॉन कॉपीराइट स्ट्राइक का भी मिल जाएगा, तो सिंपली आपको वो सर्च करना है। मैं सिंपली नीचे ले लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे एक सी नाम का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली उसको टैप करना है। इस तरह के नाम से एक कॉपीराइट का ऑप्शन रहता है, आपको सिंपली उस पर टैप कर लेने का है। सो यहाँ पे तो मुझे कोई भी कॉपीराइट नहीं मिला इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई होगी तो जो भी है, जो भी कॉपीराइट स्ट्राइक होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके, अब सवाल आता है कि अगर हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मिली होगी तो उसे निकाले कैसे। तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको एक अनदर ऑप्शन मिलेगा, रिमूवल रिक्वेस्ट में आपको कुछ रिक्वेस्ट मिलेंगे जो आपके चैनल पे आप कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए यूज़ करोगे। तो सिंपली मैं, अगर मुझे कोई सा भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिला एंड अब मुझे उसको मुझे रिमूव करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा है, जो न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट है, सो मैं क्या कर लूँगा उस पर सिंपली टैप कर लूँगा। अब ये मुझे पूछेगा ओपन विथ क्रोम या यूट्यूब, आई विल प्रीफर क्रोम। आपको भी क्रोम ही यूज़ करना है। अब आपको यहाँ पे जो यहाँ पे एक कैप्चा मिलेगा उसको फिलअप कर लेने का है। ये कैप्चा होता है कि अब अनदर एक ओपन विथ क्रोम ही करना है, आपको यूट्यूब के साथ नहीं जाना है, आपको क्रोम के साथ ही जाना है। सो कुछ इस तरह से एक
फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, बस इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका इशू क्या है एंड उसको सबमिट कर देने का है। आपकी जो रिमूवल रिक्वेस्ट है वो गूगल तक चले जाएगी, कुछ दिन लेगी वो 1 to 2 days वो रिक्वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अगर आपको ये रिक्वेस्ट रिमूवल के लिए नहीं डालनी है तो आप 30 days का वेट कर सकते हो, 30 days to 3 months वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो अपने आप गायब हो जाती है, मतलब निकल जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपके चैनल पे एट ए टाइम 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, मतलब आज एक वीडियो पे एक एट सेकंड थर्ड ऐसे विद इन 3 months में आपके 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, देन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली डिमोनिटाइज हो जाएगा एंड उसके साथ ही साथ आपका जो YouTube चैनल है वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, मतलब बैन हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए एंड सबसे मेन बात मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ सामने आती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आई नीड 1K एज सून एज पॉसिबल।